एक बात है बहुत मज़ेदार, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है वो समझ नहीं सकते, जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है वो समझना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सच है, सच है। कोई बहुत अमीर आदमी जिसके पास में करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, उससे जा करके पूछो कि तेरी हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है, पैसा और कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो मर रहे हैं हॉस्पिटल बेड के ऊपर, जो ठीक हो सकते हैं लेकिन ठीक हो नहीं सकते क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? पैसा। तो इन लोगों को यह लग रहा है जो टॉप पे बैठे हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, नदी पे पूरा कब्जा कर लिया, उसमें से चार बूंदे निकाल करके दे दी और लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये नहीं है भाई। आप उनके लिए नहीं कर रहे चैरिटी, इस चीज को थोड़ा सा बदलना है, इस सोच को बदलना है कि अगर वो आदमी चैरिटी करेगा तो उसका भला तो बाद में करेगा, पहले अपना भला करेगा। ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आज के टाइम के हिसाब से, कि अगर आपके पास 1000 करोड़ है तो उसमें से जितना यूज करना है अपने लिए करो, बढ़िया से बढ़िया घर में रहो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां चलाओ, बढ़िया से बढ़िया जगह हॉलिडे के लिए जाओ, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, जो करना है करो, लेकिन बाकी का जो बच जाता है उसमें से कुछ पैसा आगे तो कर ही सकते हो ना यार। प्रॉब्लम क्या है? अगर 100 करोड़ रुपए को दबाया हुआ है तो उसमें से 50 करोड़ को तो छोड़ ही सकते हो ना, 90 को नहीं छोड़ सकते, 100 को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं 50 को छोड़ दो। जिसके पास 1000 करोड़ है वो 500 को छोड़ दे, जिसके पास 50,000 करोड़ है वो 25,000 करोड़ को छोड़ दे, तो कितनी देर लगेगी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने में? मिनट, दिन नहीं। हमें ये, अगेन मैं आपको बताता हूं क्या है, कि ये है प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना ही नहीं है, वो करे या ना करे वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से निकल करके आए हैं, जैसी प्रोग्रामिंग उनकी बचपन में हुई है, जैसा उन्होंने देखा वैसे ही वो बन गए। हमें क्या करना है? वहां से फोकस हटा करके अगर उसमें से कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। हमें यह देखना है कि आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद कौन होंगे इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन होंगे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, और वो आज कहां है? आज वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूथ है। यही लोग आगे आएंगे जिनके पास में 1000 करोड़ रुपए होगा, और वो अगर अपना इसमें से 500 करोड़ भी इधर कर देंगे 20 साल बाद 10 साल बाद ये दुनिया बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग। अरे ये नेचर को देखो, इससे कुछ सीखो, इस बेवकूफ जानवर से मत सीखो जिसका नाम इंसान है, उसमें कमियां है। इंसानों को छोड़ो, नेचर को देखो जिसको भगवान ने बनाया है, उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी जो शेयर नहीं कर रही, जो सिर्फ अपने लिए जी रही। सोचो अगर उस सूरज को लालच आ जाए, ये मेरी लाइट है, है सच है, सच है झूठ है? सच है, आपकी लाइट थोड़ी है, उसकी है ना लाइट, ये मेरी लाइट है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, क्यों दूं ऐसे लोगों को जिनके अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट तक नहीं है, जो नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जानवरों को मार रहे हैं, हर चीज को खत्म करते चले जा रहे हैं, क्यों दूं मैं ऐसे लोगों को? अरे मरने दो इनको, कितनी देर तक आप जिंदा रहोगे? दिन में खत्म, सब खत्म। जो पेड़ हैं उनके अंदर लालच आ जाए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं यार, ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को जो हमें काट रहे हैं, काट रहे हैं ना, जंगलों को खत्म करते चले जा रहे हैं, हमें मार रहे हैं, चीथड़े उड़ा रहे हैं हमारे अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, ऐसे लोगों को हम क्यों दें ऑक्सीजन? मरने दो उनको, वो इसी लायक है। तो क्या होगा? एक सेकेंड में इंसान खत्म। भाई पैसा जरूरत बन गया है आज के युग में, आज के युग में पैसा जरूरत है, ना हवा पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कम। इसके बिना हम समझ क्यों नहीं पा रहे कि लोग जिंदा नहीं रह सकते? ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हवा पे कब्जा करना, ये कह करके कि इस हवा को मैंने बनाया है। किसको बनाया है, किसने बनाया है? इस नेचर की वजह से सब कुछ बन रहा है, ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे? कि जो एंटरप्रेन्योर कहता है मैंने किया है, उसको बोल के तेरी सांसें कौन चला रहा है ये तो बता पहले। अगर तेरी सांसें 5 मिनट के लिए रोक दी जाए क्या होगा? अरे तो तू कहां कर रहा है, ये नेचर कर रहा है, समझ इस नेचर के लॉ को, नहीं तो वहां जाकर के नहीं बचेगा, मरेगा, तड़पेगा, रोएगा, लेकिन तब तक
बहुत देर हो जाएगी। समझ सकता है तो यहीं समझ जा। इस नेचर के लॉ को समझ। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुआं खोदा और उस कुएं को बनाया तो उस कुएं पे कब्जा करके बैठ जाओ और आसपास में लोग प्यास से मर रहे हो कि ये कुआं मेरा है, इसको मैंने बनाया है, मैंने खोदा है, ये सारा पानी मेरा है। कुआं खोदने का मतलब क्या है कि ठीक है यार, आप पहले आ जाओ, लाइन में आगे लग जाओ, आपका कुआं है तो अपना नाम लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बाल्टी की जगह 5 बाल्टी ले लो। लेकिन अगर कोई वहां पर प्यास से मर रहा है, तड़प रहा है, जिसकी हालत देखने लायक भी नहीं है, उसको जाकर के 2 गिलास पानी पिला दो यार, क्या चला जाएगा आपका। इतनी सिंपल सी बात हमको समझ में आए, इतनी सिंपल सी, अगर ये समझ आ जाए तो काम हो गया। लेकिन ये सिचुएशन आज है, आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे जो आज स्कूल में है, वो यूथ जो कॉलेज में है, वो जो यहां बैठे हुए हैं, वो जो मेरे को अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सारी बातें जा करके उनके दिल के अंदर घर कर जाएगी, क्योंकि मेरे दिल से निकल रही है, दिमाग से नहीं निकल रही। ये पागल ही बोल सकता है, दिमाग नहीं बोल सकता ये सब बातें, दिमाग नहीं सोच सकता, ये डायरेक्ट दिल से आ रही है, और जब दिल से निकलती है तो दिल पे लगती है, और जब उनके दिल पे लगेगी तब उनको ये बातें समझ आ जाएगी। और जैसे ही उनको ये बातें समझ आएगी, उनकी सोच बदलेगी, जैसे ही सोच बदलेगी सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 साल 20 साल, खेल शुरू हो गया है।